हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम इंग्लिश गाइड। आज हम बात करेंगे आचार्य कुंतक के वक्रोक्ति जीवितम के बारे में। बट टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं इस टॉपिक पर MGSU के प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चंस। तो आप एक बार इन्हें वीडियो पॉज करके पढ़ें। आई होप आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे तो आपको ये भी समझ आ ही गया होगा कि ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस इस टॉपिक पर यही पूछे जाते हैं कि डिफाइन वक्रोक्ति एंड इट्स टाइप्स मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं आज नोट्स नहीं प्रोवाइड करवा रही हूँ। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ आपको दो लिंक्स मिलेंगे। फर्स्ट लिंक में आपको एकदम ब्रीफ नोट्स मिल जाएंगे जिसे आप एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिख सकते हैं, बट ये काफ़ी ब्रीफ हैं और सेकेंड में डिटेल्ड हैं। ये उनके लिए है जो ज़्यादा जानना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में। आप दोनों लिंक्स को मिलाकर खुद के नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ये और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप इस टॉपिक को समझने के लिए नोटबुक साथ रखिए और इम्पोर्टेंट चीज़ें वीडियो पॉज करके लिखते रहना। इसके बाद वीडियो फिर से देखना, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आचार्य कुंतक को ओरिजिनेटर माना जाता है वक्रोक्ति स्कूल का संस्कृत लिटरेरी थियोरी में। इनका टाइम आनंदवर्धन की 9th सेंचुरी और अभिनव गुप्ता की 10th सेंचुरी के बीच का माना गया है और इनके कंटेम्प्रेरी थियरिस्ट्स में धनंजय और राजशेखर का नाम लिया जाता है। वैसे तो वक्रोक्ति की थियोरी कुंतक से पहले भी थी, बट कुंतक ने इसे सफिस्टिकेटेडली और साइंटिफिकली डेवलप किया बिकॉज ऑफ हिज रेयर टैलेंट। भामह उन थियरिस्ट में से एक हैं जिन्होंने कुंतक से पहले वक्रोक्ति के बारे में लिखा है, और कुंतक ने भामह का ही ये आइडिया अडॉप्ट किया था। आचार्य रुद्रत ने भी अपने काव्य अलंकार रिटन इन 9th सेंचुरी में भी वक्रोक्ति के बारे में बात की है। वक्रोक्ति वॉज जनरली परसीव्ड एज अ शब्द अलंकारा ओनली। मीन्स अगर हम जनरली बात करें तो वक्रोक्ति क्या है, ये शब्द अलंकार ही माना गया है अगर कुंतक से पहले की डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो, और भामह भी यही मानते थे। ये वक्रोक्ति को अलंकार ही मानते थे और इन्होंने अलंकार के सारे टाइप्स वक्रोक्ति टर्म के अंडर ही डिफाइन किए हैं। तो ये थी कुंतक से पहले की वक्रोक्ति की डेफिनेशन। अब जानते हैं कुंतक की वक्रोक्ति की डेफिनेशन को। अकॉर्डिंग टू कुंतक, वक्रोक्ति को क्रिएट किया गया है पोइटिक टैलेंट से। मीन्स एक पोइट अपने टैलेंट से जो एक्सप्रेशन क्रिएट करता है और अपने सब्जेक्ट को अट्रैक्टिव बनाता है, और अट्रैक्टिव भी इस तरह से कि चीज़ें अर्थली होने के बाद भी हेवनली साउंड करती हैं, इसे ही कुंतक वक्रोक्ति कहते हैं। और इसके बाद कुंतक बताते हैं कि स्वाभोक्ति क्या होती है। स्वाभोक्ति वक्रोक्ति के एकदम अपोजिट कुंतक बताते हैं, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट्स या किसी भी चीज़ को उसी तरह से डिफाइन किया जाता है जैसी वो एक्चुअल में है, उसे हम स्वाभोक्ति कहते हैं। कुंतक आर्ग्यू करते हैं कि स्वाभोक्ति को क्रिएट करने में कोई टैलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये तो चीज़ों को एकदम वैसे ही डिफाइन करती है जैसी कि ये हैं। ये राइटिंग में कोई पोइटिक थॉट या फिर यूनिकनेस क्रिएट नहीं करती, और अलंकार का भी इसमें कोई रोल नहीं हो सकता। अलंकार तो ऑब्जेक्ट्स को ब्यूटीफुल बना देते हैं, ऐसे एलिमेंट्स उस ऑब्जेक्ट में ऐड कर देते हैं जो एक्चुअली उसमें नहीं है, बट फिर भी पोइट इनके यूज़ से उस ऑब्जेक्ट को इस तरह डिफाइन कर सकता है कि वो एलिमेंट्स उस ऑब्जेक्ट का पार्ट ही लगते हैं। कुंतक कहते हैं कि शब्द एंड अर्थ मेक द बॉडी ऑफ पोइट्री। मतलब शब्द जो पोइट यूज़ करता है और उनका पोइट के पर्सपेक्टिव से जो अर्थ निकलता है, ये दो चीज़ें ही पोइट्री को पूरा बनाती हैं। अब वक्रोक्ति टर्म को जानते हैं। वक्रोक्ति टर्म बनी है वक्र प्लस उक्ति या वक्र धन उक्ति से, जिसमें उक्ति को लिया गया है वक् परिभाषणे से, जिसका मीनिंग होता है एक एक्सप्रेशन या एक स्पीच,
और वक्र का मतलब है इनडायरेक्ट या फिर यूनिक। तो इस तरह से वक्रोक्ति का मतलब हुआ एक टर्म जो इवोक करती है डाइवर्स शेड्स ऑफ मीनिंग एंड सजेशंस को, जिनको वाइडली डिस्कस और इंटरप्रेट किया जा सकता है वेरियस मैनर्स में। बिकॉज़ ये इनडायरेक्ट है तो इसे उस तरह से समझना जैसे कि राइटर हमें समझाना चाहता है, इसीलिए कुंतक कहते हैं कि शब्द और अर्थ मेक द बॉडी ऑफ पोइट्री। तो वक्रोक्ति को हम कह सकते हैं कि ये एक क्लेवर स्पीच या एक्सप्रेशन है पोइट का। आई होप यहाँ तक कंसेप्ट समझ आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं वक्रोक्ति के 6 टाइप्स की। वक्रोक्ति के 6 टाइप्स हैं जिसमें सब टाइप्स भी हैं, बट हमें उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 6 टाइप्स की डेफिनेशन और उनके एग्जांपल्स ही इनफ हैं हमारे लिए। फर्स्ट है फोनेटिक फिगरेटिवनेस या वर्ण विन्यासा वक्रता। तो जानते हैं इसके बारे में। जब पोइट एक पिक्यूलियर या स्पेशल मेथड से सिलेबल्स को अरेंज करता है सेंटेंस में, और ये अरेंजमेंट टेक्सचर और ब्यूटी प्रोवाइड करता है पोइट के एक्सप्रेशन को। फॉर एग्जांपल, शेक्सपियर की एक फेमस लाइन है, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। काफ़ी डीप मीनिंग है इस लाइन का, और सिलेबल्स को भी स्किलफुली यूज़ किया है शेक्सपियर ने। और जो अपीयरेंस है इस एक्सप्रेशन की एकदम पिक्यूलियर है, एंड साउंड इफेक्ट भी। इसे संस्कृत का ऑनोमेटोपिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ वक्रोक्ति में आते हैं अलिट्रेशन, जैसा कि देखा कि फाउल इज़ फेयर, सॉरी फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। तो अलिट्रेशन, राइम एंड साउंड इफेक्ट्स। तो पहले टाइप में कुंतक बताते हैं वर्ण के बारे में कि वर्ण को किस तरह से यूज़ करके वक्रोक्ति उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट है लेक्सिकल फिगरेटिवनेस और पद पूर्वार्ध वक्रता। इस वक्रता के 9 सब टाइप्स भी हैं। इस वक्रता में लेक्सिकल आस्पेक्ट की बात होती है। लेक्सिकल मतलब वर्ड्स या फिर वोकैबुलरी, हमने प्रीवियस में पढ़ा था इनके बारे में। एंड फिगरेटिवनेस का मतलब होता है लक्षण, मीन्स एक तरह से कह सकते हैं। अब इसमें आता है स्टाइलिस्टिक चॉइस इन वोकैबुलरी, मेटाफर, पावर ऑफ एडजेक्टिव्स, वेल्ड एक्सप्रेशन मीन्स हिडन एक्सप्रेशन या हिडन मीनिंग। सो जब पोइट इन सब का यूज़ करता है वो वक्रोक्ति की पद पूर्वार्ध वक्रता मानी जाती है। या फिर अगर जनरल वे में बताऊं तो सबसे पहले हमने वर्णों के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वर्ण को इस्तेमाल करके वक्रोक्ति उत्पन्न की जा सकती है, एक स्ट्राइकिंगनेस क्रिएट की जा सकती है। और सेकंड में लेक्सिकल मतलब वर्ड्स का पढ़ा कि किस तरह से एक पोइट वर्ड्स को स्पेशल तरीके से, पिक्यूलियर तरीके से यूज़ करके वक्रोक्ति उत्पन्न कर सकता है, वक्रोक्ति प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, डेवलप कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैटल इज़ बॉइलिंग। हाउएवर कैटल तो बॉइल नहीं कर सकती, बट फिगरेटिवली कहा जा सकता है। थर्ड है ग्रामेटिकल फिगरेटिवनेस और प्रत्ययवक्रता। इट इन्वॉल्व्स स्किलफुल यूज़ ऑफ सफिक्सेस, स्पेशली जो इंडिकेट करते हैं पिक्यूलियर यूज़ ऑफ टेंस, केस, नंबर, वॉइस, पर्सन, पार्टिकल एंड इनडिक्लाइनेबल्स। दस इट फॉर्म्स मैनी वेराइटीज़। इस वक्रता में इनएनिमेट मीन्स जो बेजान चीज़ें हैं उनको परसोनिफाई किया जाता है एज अ लिविंग बींग। फॉर एग्जाम्पल, मेक माई सीटेड हार्ट नॉक एट माई रिब्स। ये काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि ग्रामर को इस तरह से यूज़ करना जिससे वक्रता स्ट्राइक हो। अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ है वाक्य वक्रता और आर्टिस्टिक ब्यूटी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो वाक्य वक्रता में आती है आर्टिस्टिक ब्यूटी ऑफ अ सेंटेंस। इन दिस वक्रता स्ट्राइकिंगनेस में अपीयर इन द पिक्यूलियर यूज़ ऑफ अ सेंटेंस। तो पहले हमने वर्ण की बात की, फिर शब्द की बात की, फिर व्याकरण की बात की, अब हम बात करें हैं सेंटेंस की। तो इसे एक एग्जांपल से बताती हूँ कि एक
पेंटर की पेंटिंग को जब ऑब्ज़र्व किया जाता है तो ये चीज़ें काफ़ी कम मैटर करती हैं कि उसने कौन से कलर यूज़ किए, वो किस क्वालिटी के हैं या फिर बोर्ड कौन सा यूज़ किया है। जो चीज़ दी मोस्ट मैटर करती है वो ये कि उसने इन सब को यूज़ करके प्रोड्यूस क्या किया है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। यही बात कुंतक भी इस वक्रता में कहते हैं कि एक पोइट और एक पेंटर दोनों सिमिलर ही हैं। जब एक पोइट वाक्य वक्रता का यूज़ करता है तब वो पूरे सेंटेंस में ही स्पेशल इफ़ेक्ट डेवलप कर देता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल शेक्सपियर के मैकबेथ की कोट है, लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हर्ड नो मोर। ये लाइन्स मैकबेथ ने बोली हैं। जनरली मीन्स दैट लाइफ लैक्स सिग्निफिकेंस। इसके बाद का मीनिंग है कि लाइफ एक ऐसे पुअर स्टेज प्लेयर के जैसी है जिसके पास अपना रोल प्ले करने के लिए स्टेज पर इनफ टाइम भी नहीं है, बट फिर भी वो परफॉर्म करता है और जितना बेस्ट वो कर सकता है उतना करने की कोशिश करता है। सो फोर्थ में हमने बात की सेंटेंस में स्ट्राइकिंगनेस डेवलप करने की। फिफ्थ है कंटेक्सचुअल फिगरेटिवनेस या प्रकरण वक्रता। इस वक्रता में वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं एपिसोड्स और इंसिडेंट्स को मैक्सिमम इफ़ेक्ट प्रोवाइड करवाने में। शॉर्ट में कहूँ तो थ्रिलर एंड मिस्ट्री, जिसमें प्लॉट एंड तक एक्साइटिंग रहे, प्लॉट को ज़्यादा एंगेजिंग बनाने के लिए सब प्लॉट्स ऐड करना, मिस्टीरियस सीन ऐड करना, इन टेक्निक्स को इसमें ऐड किया जा सकता है। सो ये थी कंटेक्सचुअल फिगरेटिवनेस। लास्ट है कंपोजिशनल फिगरेटिवनेस या फिर प्रबंध वक्रता। पूरी कंपोजिशन की ब्यूटी एंड पिक्युलियरिटी को ही प्रबंध वक्रता कहा गया है। जब एक पोइट एक वेल नोन स्टोरी को अडॉप्ट करता है और उसमें कुछ नए ट्विस्ट्स एंड टर्न्स ऐड करता है एंड अननेसेसरी एपिसोड्स को डिलीट कर देता है, हटा देता है, जिससे स्ट्राइकिंगनेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो उसे कंपोजिशनल फिगरेटिवनेस कहते हैं। तो ये था आचार्य कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम। कॉम्प्लेक्स है ये टॉपिक मानती हूँ, बट फिर भी कोशिश की है ईजी बनाने की। सो अगर आप इसको ईजी वे में याद रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि फर्स्ट में बात होती है वर्ण की, जो कि डिक्शनरी की या फिर लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं वर्ड्स, मींस लेक्सिकल फिगरेटिवनेस आती है उसके बाद। फिर इन वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रामर चाहिए, तो फिर ग्रामेटिकल फिगरेटिवनेस। फिर उसके बाद आते हैं ग्रामर भी आ गई हमारे पास, वर्ड्स भी आ गए, और साउंड इफ़ेक्ट जो फर्स्ट में था फोनेटिक फिगरेटिवनेस। तो इन सब को मिला करके हम क्या बना सकते हैं, एक सेंटेंस, और सेंटेंस से हम क्या बनाएंगे, एक एपिसोड सेंटेंस को ऐड करके, और फिर इन सेंटेंसेस को कम्प्लीटली ऐड करके जब हमारा कंटेक्स्ट प्रिपेयर हो जाएगा तो उससे हम एक कंप्लीट कंपोजिशन प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इस तरह से आप शॉर्टकट से भी इसको याद कर सकते हैं। आई होप आपको समझ ये आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।